कर्मचारियों का बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पेश। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर आज प्रचार का आखिरी दिन, प्रचार थमने से पहले दिग्गज दिखा रहे हैं दम, मैदान में कुल 623 उम्मीदवार। पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल जनसंवाद। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन। आज लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें दो दिन पहले आज गृहमंत्री अमित शाह लखनऊ में बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नितिन गडकरी आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को बीजेपी को अपना घोषणा पत्र जारी करना था, लेकिन इस दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की खबर के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को रिलीज नहीं किया, टाल दिया। पिछले कुछ दिनों से चल रहे कयासों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर सिकंदरपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक संजय यादव पर भरोसा जताया है। बलिया सिकंदरपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक और प्रत्याशी संजय यादव ने नामांकन भरा और कहा कि मुझे 2017 में भी जनता ने मुझे जिताया और 2022 में भी जनता मुझे जिताएगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 2017 के बाद कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है, पूरे प्रदेश में अमन चैन है और पूरा उत्तर प्रदेश एक बदले हुए स्वरूप में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास पूरे प्रदेश में हो रहा है। लोगों की जो भी आकांक्षा है, जो भी उनकी आवश्यकता है, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम हमारी सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से हमको इस चुनाव में मिलने जा रहा है। सर, कितना लाभ मिला है तो फिर सुरेंद्र सिंह विधायक जी का जो है टिकट कटना और शंकर सिंह को यहाँ लाना, ये कितना कैसे राणा सिंह को देखिए? देखिए, पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता हैं। जिस कार्यकर्ता की जब आवश्यकता होती है, पार्टी उसको जनता के बीच में भेजती है। पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय के साथ सभी कार्यकर्ता हमारे एक साथ। सुरेंद्र सिंह विधायक जी आप लोगों को खड़े नहीं करने थे पिछली बार, उनको इसलिए लड़ाया था ना 2000। पार्टी का एजेंडा क्या है? कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया। पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास का एजेंडा है। उत्तर प्रदेश को कैसे हम पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचाएं, यही हम लोग की सरकार का मुख्य उद्देश्य है। खबर देवरिया से है, जहां पर देवा विधानसभा से कांग्रेस ने टिकट के लिए दावेदारी कर रहे युवा नेता पवन शर्मा का टिकट काट कर महिला सीट आरक्षण को दे दिया है, जिस पर पवन शर्मा ने बताया कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही निर्णय है और वो अंबर जहां को भरपूर समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये तो पार्टी ने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय लिया है पार्टी ने। और यहाँ से पथरदेवा विधानसभा से जो अंबर जहाँ जी को टिकट दिया, एक महिला को टिकट दिया, जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को राजनीति में लाना है, तो मुझे लगता है जो निर्णय पार्टी ने किया वो बहुत अच्छा किया और मैं पार्टी से खुश हूँ। देखिए, मैं विधानसभा पथरदेवा से हमको टिकट मिला है, बहन प्रियंका गांधी ने हम पर विश्वास किया है और हमको अपने उनको जैसे सम्मान हमको आगे बढ़ाना है। और मैं जैसे गांव-गांव में जा रही हूँ, सब लोग जैसे ये कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस को आगे लाना है और प्रियंका बहन ने जो योजना की है उस पर हम लोग डिपेंड कर रहे हैं कि हम लोग साथ से कदम मिलाकर चलेंगे और उनको आगे लाएंगे। महंगाई ज़्यादा हो गई है और जो 40% औरतों को वो बोली हैं उस पर सब लोग खुश हैं कि कम से कम हम लोग को इतना तो जैसे सुविधा दी हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्षेत्र में जैसे घूम रही हूँ तो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं। खबर मथुरा से है, जहाँ गोवर्धन में
परचून की दुकान पर छापेमारी के दौरान अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता की। वहीं छापेमारी के दौरान मीडिया कर्मियों ने अधिकारी से पूछा कि ये विभाग की कार्रवाई है। बस इसी सवाल पर अधिकारी ने बोला कि मीडिया की माइक आईडी 100-100 रुपए में बिकती है। तो मथुरा से ये खबर सामने आ रही है जहां गोवर्धन में परचून की दुकान पर छापेमारी के दौरान अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से अभद्रता की। छापेमारी के दौरान मीडिया कर्मियों ने अधिकारी से जब सवाल पूछा कि ये विभाग की कार्रवाई है, तो इसी सवाल पर अधिकारी ने अभद्रता करते हुए बोला कि मीडिया के माइक आईडी 100-100 रुपए में बिकती है। संभल में चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने जनसंपर्क करते हुए जनता का साथ मांगा। इस दौरान मरगूब आलम ने जनपद से लोगों से कहा कि इस बार सभी को वोट समझकर जनता को अपना वोट विकास के लिए देना है। आगे उन्होंने कहा कि असमोली में बीते 10 साल से एक ही सीट के विधायक ने राज किया, जिसके बावजूद आज भी असमोली विधानसभा की जनता विकास के लिए तरस रही है। तो संभल से खबर सामने आई है जब कांग्रेस प्रत्याशी ने जनसंपर्क किया। हाजी मरगूब आलम ने डोर टू डोर कैंपेन किया और जनता से अपील की कि वो अपना वोट सोच समझ कर दें और विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए दें। खबर फतेहपुर से है जहां बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी के लिए पहले दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीसी अशोक त्रिपाठी के साथ राधेश्याम दीक्षित ने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य रूप से एआरपी आशीष द्विवेदी और अरविंद यादव के साथ सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। खबर रायबरेली से है जहां अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार पिता और पुत्र को टक्कर मारी। आपको बता दें कि टक्कर लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है और दोनों की मौत हो गई। यूपी चुनाव को लेकर पुलिस भी हरकत में आ गई है। खबर उन्नाव से है जहां पुलिस ने चुनाव में दहशत फैलाने के उद्देश्य से असलाह की सप्लाई करने वाले तस्करों को गंगा घाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक स्थान पर युवक को तालाब के पास से घेर कर धर दबोचा। पुलिस ने मौके से बने असलाह और अदबने तमंचों के साथ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से फैक्ट्री में प्रयोग होने वाली अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, साथ ही अन्य तथ्यों पर जांच पड़ताल की जा रही है। जनपद उन्नाव के गंगा घाट पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद किया गया है, उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 4 तमंचे, एक अदबनी 315 बोर की राइफल, कुछ खोखा कारतूस और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा कहां कहां पे और अपराध किया गया है, कहां इसकी सप्लाई थी, पूरी सप्लाई चेन के बारे में और इसके अन्य साथियों के बारे में अभी विवेचना जारी है और शीघ्र ही हम इस पूरी घटना के तहकीकात अंदर तक जाकर के करेंगे और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होगा उसके विरुद्ध कठोर धाराओं में और कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से एक खबर सामने आ रही है जहां पे पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और अवैध असलाह फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह से हंगामा न किया जा सके, डर न फैलाया जा सके। डर मुक्त चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध नजर आ रही है। असलाह फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए उन्नाव से संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं। चैतन्य, क्या कुछ जानकारी, किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है पुलिस? जी, बताना चाहूंगा कि इधर लगातार जैसे ही विधानसभा चुनाव लगभग इस समय नामांकन के लिए हो चुकी है सारी प्रक्रिया और उसके बाद के लिए 21 तारीख को मतदान है जनपद उन्नाव में, उससे पहले पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय है और कल मुखबिर की सूचना पे जो गंगा घाट कोतवाली है वहां पे एक युवक को पकड़ा गया और पकड़ने के बाद जब पता चलता है कि वो ना सिर्फ असलाहा की तस्करी कर रहा है बल्कि एक पूरी फैक्ट्री स्थापित किए हुए। हालांकि इन बिंदुओं पे अभी तक लगातार पुलिस छानबीन कर रही है और हो सकता है कि इसमें बड़े तथ्य भी सामने आ जाए, जिस तरीके से पुलिस का कहना है। जी चैतन्य, कितने अपराधियों को इसमें पकड़ा गया अभी तक? अभी तो फिलहाल जो एक अपराधी, सिर्फ एक युवक है जो पकड़ा गया है जिसके पास से ये पूरी फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में पूरे असलाहे बरामद हुए हैं
और लेकिन जो मौके पे अन्य लोग थे वो फरार हो गए हैं, लेकिन अभी दबिश देकर जब पुलिस ने उसको पकड़ा है तो आगे की पूछताछ कर रही है, संभावना है कि इसमें अन्य लोगों के भी नाम शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता चैतन्य जुड़े थे उन्नाव से। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 का विधानसभा चुनाव आते ही जनपद के विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों का विरोध दिखाई दे रहा है। कहा गया कि विकास की किरण न पहुंचने से ग्रामीण अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने लगे हैं। अमेठी में 3 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले कई सालों से हमारे गाँव की सड़क बेहद खराब है। इसके बारे में कई बार नेताओं से बात भी की गई लेकिन सड़क नहीं बनी। अब जब की चुनाव आ गया है तो हम सब ग्रामीणों ने आगामी चुनावों में वोट ना देने का निर्णय लिया है। विरोध प्रदर्शन हमारा इसीलिए है कि कई वर्षों से हम लोग सड़क से परेशान हैं, सड़क बन नहीं रही, इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन जताए हैं। और जब तक हमारी सड़क नहीं बनेगी हम सभी प्रत्याशियों का विरोध करेंगे और वोट भी नहीं देने जाएंगे। साल भर हो गई, पाँच साल से किसान, हाँ तो साल भर नहीं गई कैसा दिया। हाँ। मांग नहीं पूरी होती है तो क्या करेंगे है? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तब क्या करेंगे? तो ना दिया भाई वोट। विरोध प्रदर्शन हमारा इसीलिए है कि कई किसान एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, कल भी हम जीते थे, वोट नहीं तो वोट नहीं, इंकलाब जिंदाबाद, सभी प्रत्याशियों का हम विरोध करते हैं। अमेठी में गौरीगंज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मिश्रा मटियारी ने नामांकन किया। जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी ने कोविड-19 का पालन करते हुए नामांकन कराया। वहीं इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं समेत बीजेपी के पूर्व विधायक तेज भान सिंह मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी ने गौरीगंज विधानसभा से पहली बार प्रत्याशी चंद्रप्रकाश मटियारी बनाया है। माननीय आदित्य योगीनाथ जी यहाँ की सांसद, जिन्होंने विकास ही एक इनका कार्य ही एक विकास का था। दीदी ने यहाँ पर अमेठी जनपद में जो विकास के अमेठी संसदीय क्षेत्र में जो विकास के आयाम लाए, इस औद्योगिक कब्रिस्तान को दूर करने का काम किया जो कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने इसको औद्योगिक कब्रिस्तान पूरे क्षेत्र को बना दिया था। आज ये कृषि विज्ञान केंद्र है, आज ये मेडिकल कॉलेज है, आज ये असॉल्ट राइफल है, आज ये सड़कों का ये आवागमन का साधन है। आज जो मूलभूत समस्याएं आम आदमी तक पहुंचने का कार्य है। बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे, मैं जीता हूँ बाबा के हाथ स्वराज रहे। भारत उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।